करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक जनरल डेफिनेशन है और दूसरी हमारी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ में डिफाइन है। ओके, जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एन एग्रीमेंट विच एम टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। क्या बोला मैंने? एन एग्रीमेंट विच एम टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉन एज। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। मैम बिल्कुल सच बताएं तो बिल्कुल समझ नहीं आया, बस ऐसा लगा जैसे इंग्लिश पढ़ दियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, मान के चलिए मिस्टर ए है और इधर मिस्टर बी है, अब समझ में आ जाएगा। और मिस्टर ए जो है अपनी कार सेल कर रहे हैं, किसको? मिस्टर बी को। अच्छा बताओ, ए को क्या बोलूं मैं, सेलर या बायर? और बी को? बी है बायर। ठीक है, अब देखिए इधर, ए ने गाड़ी देनी है और बी ने गाड़ी खरीदनी है, तो ए तो कार देगा, प्लीज बातें नहीं करो, और बी को पैसे देने, सपोज पैसे देने 1,00,000 रुपए। अब मुझे आप जो चीज मैं समझाना चाह रही हूं ना वो समझ लेना, समझ के जो समझे वो ना समझ कहलाए। आगे इधर आओ, इधर देखो, मिस्टर ए और मिस्टर बी इनके अपने कुछ राइट और क्या है, कुछ राइट है और साथ में कुछ क्या है, ड्यूटीज। ऐसे ही बायर के भी कुछ क्या होंगे, राइट और ड्यूटीज। अब आप मुझे बताओगे, मुझे आप एक बात बताओ, जो मिस्टर ए है उनका राइट क्या है? पैसे लेना इज अ राइट, यस और नो? एंड गाड़ी देना इज अ ड्यूटी, पक्का पक्का? अच्छा बी का राइट बताओ, गाड़ी लेना इज अ राइट एंड ड्यूटी क्या है? पैसा देना इज अ ड्यूटी। समझ में आई? मैं कह सकती हूँ जो इसके राइट है वो इसकी ड्यूटी है, जो इसकी ड्यूटी है वो उसके राइट है। ठीक, अगर मान के चलो मिस्टर ए ने कार नहीं दी तो इनके राइट क्या हो गए? अफेक्ट हो गए। अब कहीं ना कहीं जब इनके साथ गलत हुआ तो धर्म हुआ, तो धर्म की स्थापना करने कौन आएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कैसे? इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था और एग्रीमेंट से इनकी राइट और ड्यूटी क्रिएट हुई है। और अगर एग्रीमेंट के साथ कानून मदद करता है, कानून कैसे? मान के चलो इन्होंने अपने ड्यूटी नहीं निभाई तो अब मिस्टर बी अपने राइट एक्सरसाइज करेगा, किसकी मदद से? कोर्ट की मदद से। कोर्ट जाएगा, केस करेगा, जेल भिजवाएगा। ठीक है, तो कोर्ट के थ्रू राइट लेगा, तो इसे बोलते हैं एनफोर्सिएबल। क्या बोलते हैं इसे? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इट मीन्स अपने राइट फोर्स करके ले रहा है, तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो इट मीन्स, ये मैंने मीनिंग आपको क्लियर किया किसका, एनफोर्सिएबल मीन्स फोर्स करने के क्या है, एबल। संधि विच्छेद कर दी इसकी, फोर्स करने के क्या है, एबल। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस क्रिएट क्या कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। बताओ क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, राइट एंड ड्यूटीज। एंड उसी के साथ साथ अगर हम 2H की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट है एनफोर्सिएबल बाय लॉ प्लस साथ में क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी है, तो एग्रीमेंट हो गया। और अगर राइट वापस नहीं मिल रहे तो फोर्स करके ले सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल डेफिनेशन तो क्या बोलती है, एग्रीमेंट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। और स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या बोलती है, एग्रीमेंट भी है साथ में एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी है, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब सब बच्चे नोट करेंगे इसे, क्योंकि ये पूरी जर्नी है, मैंने अभी तक एक शब्द आपसे नोट नहीं करवाया, बस एक पॉइंट आपको नोट करना है, जर्नी नोट करनी है, फिर हम इसे रिवाइज करेंगे। ऑफर एंड प्रपोजल
हाँ बेटा हाँ हाँ टू ए अभी लिखूंगी मैं बाद में ये सेक्शन टू ए है, पहले आप नोट करो फिर करते हैं। ऑफर या प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। हो गया सब बच्चों का, हो गया नोट कर लिया? तो देखो सबसे पहले होगा ऑफर या फिर क्या बोला जाएगा, प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन टू ए। इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है ऑफरर, जो ऑफर देगा उसे क्या बोलेंगे, ऑफरर, और जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ऑफरी। ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है? टू, सेक्शन टू सी क्लॉज। प्रॉमिस डिफाइन सेक्शन टू बी। कंसीडरेशन डिफाइन सेक्शन टू डी। कंसीडरेशन आप कैश में ले सकते हो, कैश, काइंड, एब्जिस्टेंस, कैश, काइंड एंड एब्जिस्टेंस। उसी के साथ साथ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। डी के बाद क्या आता है? टू ई एंड कॉन्ट्रैक्ट टू एच। वॉइड एग्रीमेंट टू जी, वॉइड एग्रीमेंट टू जी। हो गया सब बच्चों का? हाँ बेटा। एब्जिस्टेंस, ए बी एस आई एस टी एन सी। एब्जिस्टेंस मीन्स वॉइड, अवॉइड करना। हो गया? हाँ, ई। हाँ टू ई। हो गया सबका? चले आगे, बहुत बढ़िया। देखो इधर, जर्नी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और प्रपोजल, या तो ऑफर बोल सकते हो साथ में प्रपोजल भी बोल सकते हो, इसके दो नाम है। इसमें दो पार्टी होती है, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। उसके बाद प्रपोजल प्रॉमिस में कब बनता है? प्रॉमिस कैसे होती है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, और ये डिफाइन है टू बी। अच्छा, बी के बाद क्या आता है? सी। सी में डिफाइन है ऑफरर एंड ऑफरी। टू डी, टू डी बोले तो कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कैश, काइंड और एब्जिस्टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन टू ई। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नॉट एनफोर्सिएबल है तो क्या बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। ये किसमें डिफाइन है? टू जी। तो मिस क्या है? एफ। एफ मिस है ना, ए बी सी डी ई आती ना, बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इट मीन्स इसमें से क्या मिस हो गया? एफ मिस हो गया। एफ इसमें नहीं है, उसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, तो हमारे चार्ट में नहीं आती। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हाँ, तो क्या क्या ऑफर, ऑफर को क्या बोलते हैं? प्रपोजल। कितनी पार्टी? दो, ऑफरर एंड ऑफरी। फिर क्या बनेगी? प्रॉमिस। उसके बाद कंसीडरेशन, कैश, काइंड, एब्जिस्टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर क्या होगा? एग्रीमेंट। एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एनफोर्सेबल, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, सेक्शन याद करें, ए बी सी डी ई, ई एंड जी एंड एच, याद हो गया ना? पक्का पक्का।
एक बार सब बच्चे आंखें बंद करो, आंखें बंद करो बेटा, बहुत बढ़िया, थोड़ी देर शांति में आओ। टू ए में डिफाइन है ऑफर या फिर प्रपोजल, टू बी में, टू सी में, टू डी, टू ई, टू जी वॉइड एग्रीमेंट, टू एच आंखें खोलो, देखो सुबह हो गई। अब इधर देखिए, जय माता दी, हाँ बिल्कुल। इट मीन्स अगर हम पूरा चार्ट एक बार फिर से रिवाइज करें, ऑफर ऑफर को और क्या बोलते हैं, प्रपोजल, कितनी पार्टी, दो, ऑफरर एंड उसके बाद कैसे बनेगी, प्रपोजल प्लस देन कंसी, पास्ट प्रेजेंट, कैश काइंड, उसके बाद एग्री, सेक्शन नंबर टू ई, एग्रीमेंट अगर क्या होगा, एनफोर्सिबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सिबल वॉइड एग्रीमेंट। अब बढ़ेंगे आगे, अब देखो इधर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म, एग्रीमेंट ब्रॉडर टर्म होती है और उसके अंदर कवर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी एनफोर्सिबल, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो भी सकता है और एनफोर्सिबल नहीं भी हो सकता। प्रॉमिस बाय वन पार्टी, प्रॉमिस बाय अदर पार्टी नॉन एज एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, र ट न है, कहां पर, घर पर, सुनिए। दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, सुनना ध्यान से, डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल। मैम डोमेस्टिक एग्रीमेंट का कोई एग्जाम्पल दोगे, बिल्कुल मैं देती हूँ। अभी क्या है कि अभी पिछली बार हमारी क्लास में एक बच्चा था, वो सीएस फाउंडेशन में था, तो उसके पापा ने उनसे क्या बोला कि बेटा अगर तू लड़का था मतलब, अगर एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा ना, पास भी हो गया ना, पास भी हो गया अगर, तो मैं तुझे एक बाइक दिलवाऊंगा, कौन सी वाली, रॉयल एनफील्ड बुलेट। ओह, तो अब उनको रॉयल एनफील्ड की प्रॉमिस करी पापा ने। अब बच्चे ने क्या किया, जैसे फाउंडेशन में था ना, तो पूरे बैच में शोर मचा दिया, हर किसी से बोलता था मेरे पापा बाइक दिलवाएंगे, बाइक दिलवाएंगे, ऐसे करके सबको बताया, बच्चा फाउंडेशन में पास हो गया। अब पास होने के बाद जो उसके दोस्त थे ना, सब इधर बालकनी में ऐसे देख रहे हैं उसे, अच्छा बाइक सा है, बाइक सा है, लेकिन उसने अपने पापा से बोला पापा बाइक दिलवाओ। पापा ने बोला रात गई बात गई, रात की सुबह नहीं, पास होना कोई बड़ी बात है फाउंडेशन, ऐसे बोल दिया। अब लड़का गुस्से में बोला पापा दिलवा दो बाइक, कि नहीं दिलवाऊंगा तू क्या कर लेगा, मम्मी से बोला, अपने वाले को समझा लो फिर दिक्कत हो जाएगी, हाँ दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ लो मैं, कि तू क्या कर देगा, मैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने फाउंडेशन पढ़ा है, लेकिन पता गलती क्या हुई, उसने इधर से नहीं पढ़ा था, वो बोल रहा है फाउंडेशन पढ़ा है, मुझे लॉ की नॉलेज है, मतलब फाउंडेशन में से लॉ की नॉलेज हो गई, बोल रहा है आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट में हमारी मैम ने सिखाया है कि एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उनके पापा ने बोला मैंने भी मैम से ही पढ़ा है, ठीक है तूने एक चीज मिस कर दी, हाँ तू बस ऐसी बोले जा रहे, उनकी कुछ बातें याद है आधी भूल गया क्या, एग्रीमेंट है साथ में एनफोर्सिबल बाय लॉ होना जरूरी है, और जिस दिन वो रिवीजन करा रही थी उस दिन तू क्लास में से बंक मार के गया था, मुझे पता है। इधर देख, ये जो मेरा और तेरा एग्रीमेंट है डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कौन से एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक, इट मीन्स डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो अब चाहकर भी अपने पापा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो, मम्मी उसे फाइल कर देगी सीधा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो केस फाइल नहीं कर सकते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सोशल एग्रीमेंट सुनिए ध्यान से, सोशल एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं। बच्चे की शादी होने वाली थी, मतलब होने वाली है, इन्होंने क्या किया, कैटरीना कैफ को इन्वाइट किया, कैटरीना कैफ को, कि मेरी शादी में कैटरीना कैफ आएंगी, ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी पर्सनली यही बात बोल के गई है, मैम मेरी शादी में जरूर आना, जुलूल जुलूल आना, मैं इनको क्यों, मैम कोई बहाना मत लगाना, क्लास व्लास का प्लीज आ जाना, मैंने ठीक है, बात क्या है तुम इतनी फोर्स क्यों कर रहे हो, अरे मैम कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिलेगा, अच्छा ठीक है। अब शादी में भाई माला डालने का टाइम आ गया, सब पूछ रहे कैटरीना कैफ आ गई, मतलब इनकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा, कैटरीना कैफ फाइनली नहीं आई। अब ये तो पहुंच गए इनके पास, एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्सिबल बाय लॉ, मैं तुम्हारे खिलाफ कैटरीना कैफ केस फाइल करूंगी। कैटरीना कैफ बोलती है मैंने भी बताया फाउंडेशन क्लियर किया है प्रीति सिंह क्लासेस से, हाँ ठीक है, दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट एक्चुअली, हाँ ये आपने मुझे इनविटेशन दिया, इट इज एन सोशल एग्रीमेंट एंड सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, गॉट द पॉइंट। चलिए उसी के साथ साथ अगर कभी भी चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बस आपको एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है,
3C3LFA, क्या याद रखना है, 3C3LFA। मैम कहानी क्या है 3C3LFA की, एक बार जरा बता दो। ये एलिमेंट है और मैंने एलिमेंट का एक रक्स बना दिया। पहला सी क्या कहता है, देखो कभी भी अगर आपको कोई टॉर्चर करे ना ज्यादा इंग्लिश बोले तो आपको भी इंग्लिश बोलनी है। कैसे, वर्ड एब इनिशियो, कंसेंसस एड आइडियम, नॉन क्विड प्रोबिट, है ना, हाँ क्विड प्रोक्यो, आपको ऐसे मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी, आपको ऐसे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है ना। अल्ट्रा वायरस, तो इट मीन्स इंग्लिश बोलनी है ना, इंग्लिश ही तो बोलनी है, कैसे बोला, इट मीन्स ऐसी एक कंसेंसस एड आइडियम, राइट। तो कंसेंसस एड आइडियम इज अ लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड है, फर्स्ट सी से स्टार्ट होता है। लेकिन एक बच्चा मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछने लगा, मैम ये लेटिन वर्ड लॉ में क्यों डाले, एक्चुअली इसमें ना थोड़ा बाहर का फ्लेवर आ गया है और इसलिए डाले गए हैं क्योंकि अगर ये कठिन शब्द नहीं होते तो आप मुझसे पढ़ने नहीं आते, अच्छा किया ना टफ बनाया। इट मीन्स कंसेंसस एड आइटम का मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड, क्या मीनिंग है, मीटिंग ऑफ माइंड। और मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है, जब आप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका माइंड मीट होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। किस तरीके से मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, कि आप जिस सामान के लिए एग्री हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैम आप हमेशा गाड़ी का एग्जांपल देती हूँ, ये याद है मुझे, एक एग्जांपल ले लेते हैं होंडा का। मिस्टर ए के पास तीन गाड़ी है, एक होंडा सिटी, एक होंडा एकॉर्ड और एक कौन सी वाली, मैं आपकी बात मानती हूँ, होंडा सिविक, ये लो तीन गाड़ी है। इधर मिस्टर बी है जी, मिस्टर बी, और मिस्टर बी क्या कह रहा है, मिस्टर ए अपनी होंडा सिटी बेचना चाहता है भाई और बहनों, और मिस्टर बी कह रहा है मुझे तो एकॉर्ड चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, रीजन बताओ। सेम थिंग मिस है, ठीक है, मिस्टर ए अपनी गाड़ी किराए पे देना चाहता है और मिस्टर बी खरीदना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, सेम सेंस इज मिस। मिस्टर ए अपनी गाड़ी इस साल बेचना चाहता है, वो नेक्स्ट ईयर लेना चाहता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, रीजन सेम टाइम इज मिस, येस और नो। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसके लिए हमारे तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब देखो फिर क्रक्स का भी, सब क्रक्स, बेबी क्रक्स है ये, सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम। इट मीन्स फर्स्ट सी क्या है, कंसेंसस एड आइटम, बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड, बोथ पार्टी आर एग्री फॉर सेम थिंग इन द सेम सेंस इन अ सेम टाइम, ओके। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम अगर होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। तो कंसेंसस एड आइटम क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वन इज कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, सेकंड वन क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड मेजर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ठीक है, हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो क्या है, साउंड माइंड है, मेजर है और लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम बात करें साउंड माइंड का मतलब, मैम क्या समझते हो आप, साउंड माइंड का मतलब क्या समझते हो, साउंड माइंड का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझ सकता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साउंड माइंड। तो मैम अनसाउंडनेस कितने तरीके की होती है, तीन, तीन तरीके की, कौन कौन सी, इडियट, लुनेटिक और ड्रंकन। मैम इडियट का मतलब अ पर्सन हु इज परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, लड़कियां भूल के भी किसी लड़के को इडियट मत बोलना, इट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली क्या है, अनसाउंड माइंड है। नंबर टू इज लुनेटिक, लुनेटिक इज अ पर्सन हु इज टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स लाइक सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लुनेटिक, नो ड्रंकन। तो मैम लुनेटिक कौन सा व्यक्ति होता है, जो मैंने अभी बताया वो ड्रंकन था, ड्रंकन मीन्स अ पर्सन हु इज टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स लाइक सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन, मुझे कह रहा हो कुछ बचो भी। अच्छा अब हीरोइन का मतलब क्या समझते हैं बहुत से लोग, कि मैम हीरोइन मतलब वो एक्ट्रेस वाली हीरोइन, अरे हीरोइन इज अ नशीला पदार्थ बेसिकली, ओके। तो इट मीन्स, अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए प्लीज, थर्ड वन इज अ ल्यूनेटिक, एक ऐसी अवस्था हो जाती है, कैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, गजनी, हाँ बिल्कुल सही बोला, एक और अपनी फील्ड का एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। एक मिस्टर ए थे, वो बहुत दिनों से सीएस फाउंडेशन में है, साल हो गए 5। अब क्या होता है, जैसे ही वो लोधी रोड पहुंचते हैं साई बाबा मंदिर के बराबर में, वो ईंट उठाते और मारना शुरू कर देते उस बिल्डिंग पे। इट मीन्स उनकी ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है, क्योंकि काफी दिनों से सीएस कर रहे, नहीं हो पा रही, तो लुनेट, वो बच्ची सोच रही है मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। इट मीन्स वो क्या हो गए, लुनेटिक हो गए, क्या हो गए, एक टेम्पररी टाइम के लिए अपने माइंड से कंट्रोल हटा देना, दैट इज नोन एज ल्यूनेटिक। तो अनसाउंडनेस तीन तरीके की होती है, कौन कौन सी, इडियट, इडियट तो समझ गए, परमानेंटली
गया वो तो ठीक है, दूसरा लुनेटिक कभी कभी के लिए, एंड ड्रंकन इज अ सिचुएशन बेसिकली, कभी कभी पी लेना खा लेना इज अ सिचुएशन. तो इट मीन्स ड्रंकन इज अ पर्सन हु इज टेकिंग ब्लाबला, आपने पढ़ाई अभी. तो इट मीन्स अगर कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके पास कैपेसिटी होना जरूरी है. क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? क्या एक जिससे पूछूं वही, लेकिन कोई और सब नहीं बोलेंगे उसे, आज देख लेना अगर किसी उसने बोला ना तो फिर शाम को 7 बजे तक पढ़ाऊंगी. सुनो, आप मुझे बताइए, क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कर सकती है. ओके, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कर सकती है. ओके, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बेटा? कर सकती है. क्यों? बिल्कुल भाइयों और बहनों, मित्रों, दोस्तों, इधर देखो ये वर्ड क्या यूज किया, पर्सन. एंड पर्सन कवर आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन. तो इट मींस कंपनी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है. कंपनी एक्ट में नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा है. सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी, ये आप जानते ही हो कि सर्टेन होना चाहिए. 3C कंप्लीट हो गया ना. 3C क्या क्या था? फर्स्ट सी कंसेंसस एड आइटम बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड, बोले तो सेम थिंग सेम सेंस सेम टाइम. 3L लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज. एंड उसी के साथ साथ F4 व्हाट? फ्री कंसेंट. अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय 5 थिंग्स. CUMF कम फ्री, CUMF बोले तो कम फ्री. C4 कॉएशन, U4 अंडर इन्फ्लुएंस, M4 मिस्टेक, M4 मिसरिप्रेजेंटेशन, F4 फ्रॉड. एग्रीमेंट के लिए 2 पार्टी होनी चाहिए, एक ऑफरर एंड ऑफरी. उसी के साथ आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बोल क्या लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सप्रेस बिना बोले बिना लिखे इम्प्लाइड. ऑनलाइन आपने कोई सामान मंगवाया, ई कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी चीजें होना जरूरी है, क्या क्या? 3C, 3L, FA. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाती है, और किसकी वजह से? या तो लॉ में चेंज हो गया या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसकी वजह से अगर चेंज हो जाता है लॉ या सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड. पहले वैलिड था लेकिन अब वॉइड हो गया. एग्जाम्पल दो मैम, एग्जाम्पल दो. बिल्कुल, मान के चलिए इन्होंने स्कूटर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और स्कूटर ही डिस्ट्रॉय हो गया. स्कूटर ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से करोगे? इट मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड. दूसरा एग्जाम्पल, इन्होंने ना कॉन्ट्रैक्ट किया था कि केरोसिन ऑयल की डिलीवरी करनी थी 10 तारीख को, डिलीवरी देनी थी 15 तारीख को, 12 तारीख को दिल्ली के अंदर एक कानून पारित हुआ कि कोई भी केरोसिन में ट्रेडिंग नहीं करेगा. चेंज इन लॉ, क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि लॉ में क्या हो गया? चेंज. इट मीन्स हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इनिशियल स्टेज में तो वैलिड थे लेकिन ड्यू टू द चेंज इन लॉ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? वॉइड हो गया, फिर वो उनकी एनफोर्सिबिलिटी सीज हो गई. उसी के साथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर फ्री कंसेंट क्या होती है? मिस होती है. उसे क्या बोलते हैं हम? वॉइड एबल. वॉइड, वॉइड होने के योग्य है, वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है. क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट. क्वाशी मीन्स सीम्स टू बी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोला मैंने मैम? कोई एग्जाम्पल दे दो ना प्लीज. ओके, सुनिए ध्यान से. हमने नीचे से एक ऑर्डर किया, पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर किया और यू 112B में आना था, ठीक है, थर्ड फ्लोर. लेकिन पिज्जा की डिलीवरी, वो बच्चे जिलल छाए मैम रहा न जाए, पिज्जा का तो नाम लेते ही. ओके, लेकिन वो डिलीवरी नीचे नीचे वाले फ्लोर पे चली गई और उन्होंने पिज्जा लिया और पिज्जा खाया भी, और उसके बाद उसने बोला पेमेंट. कह रहा कौन सा पेमेंट? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया. कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर वालों ने, तो पिज्जा भी ऊपर वाले खाते ना. यस और नो? आपके लिए पिज्जा मंगवाया था, अब नीचे वाले खा गए तो हम क्या करें बताओ? अब सुनो, ध्यान दो, ऐसे केस में वो तो पेमेंट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. लॉ ने कहा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, और कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है तो एनफोर्सिबिलिटी है. तो इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा. सीम्स टू बी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन मीन्स होता है सीम्स टू बी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू माइनर, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स, मनी पेड फॉर गुड्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? आप ये घर से भी पढ़ सकते हो. अगर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, जिनकी एनफोर्सेबिलिटी सीज्ड हो जाती है ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट. किसकी वजह से? टेक्निकल डिफेक्ट. मैम टेक्निकल डिफेक्ट क्या हो सकते हैं जरा बताओ? एक्चुअली आपने देखा होगा ना 3L थे, एल में एक एल होता है लीगल फॉर्मेलिटी. क्या होता है? अब लीगल फॉर्मेलिटी क्या? एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में 2 पार्टी होनी चाहिए. स्टैंप किसके हिसाब से होना चाहिए? इंडियन स्टैंप. रजिस्ट्री किसके हिसाब से होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन एक्ट. और नोटरी किसके हिसाब से होनी चाहिए? नोटेरियल एक्ट.
इनमें से अगर कोई भी मिस होता है, अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिस हो जाता है तो हम कह सकते हैं, उससे बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट, और एनफोर्सिबिलिटी सीज हो गई ड्यू टू द टेक्निकल डिफेक्ट ऑफ एनी अदर लॉ अदर देन दिस। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल देते हैं, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसे, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ अगर हम ऑफर की बात करें तो ऑफर में हमारे पॉइंट्स है 5C+D+E। ऑफर के अगर एक वैलिड ऑफर आपको बनाना है तो उसके लिए सिंपल सी कुछ चीजें याद करनी है, 5C+D+E। फर्स्ट सी क्या है, ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। सेकंड सी कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी। थर्ड सी, ऑफर के अंदर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होने चाहिए विच नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्या बोला मैंने, नॉन कंप्लायंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी को ऑफर दिया, ना उसने हां बोली ना उसने ना बोली, तो आप मान लोगे हां बोल दी, नहीं मानोगे ना। तो यही बोल रहा है, ऑफर डज नॉट कंटेन टर्म्स विच नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए। और ऑफर क्या होना चाहिए, सर्टेन। क्या क्रिएट कर रहा हो, लीगल रिलेशनशिप। डिफरेंट किससे होगा, इनविटेशन टू ऑफर। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ ऑफर, अच्छा एक लाइन में अगर याद करना हो तो क्रक्स क्या है, 5C+D+E। ऑफर की अगर हम बात करें, दो तरीके के हो सकते हैं, एक जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब पब्लिक एट लार्ज को, स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पर्सन को। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, या तो मैनर प्रिस्क्राइब होगी, अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल मैनर, अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो क्या है, रीजनेबल मैनर। एक्सेप्टेंस कौन करेगा, स्पेसिफिक ऑफर में जिसको ऑफर दिया गया वो, और जनरल में कोई भी कर सकता है। उसी के साथ टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस, या तो डिफाइन होगी वो, नहीं तो रीजनेबल टाइम। साइलेंस कभी भी क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन आप जस्ट रीड कर सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट्स मैं करा रही हूं। कैपेसिटी ऑफ पार्टी की अगर हम बात करें तो हमने बोला एवरी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स लीगल एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की। और वो क्या क्या है, क्या क्या है, मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसके गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं अगर, तो वहां पे माइनर 21 साल तक रहता है। मैम प्लीज रुक के पॉइंट हमें बताओ, बिल्कुल बताती हूँ आपको, ये पॉइंट मैं रुक के आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए गार्जियन अपॉइंट होगा, कोर्ट अपॉइंट करेगी, तो उसमें 21 साल तक माइनर ट्रीट किया जाता है। ऐसा क्यों, देखिए नॉर्मल केस में हर बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, हर बच्चों के क्या होते हैं, पेरेंट्स, तो 18 साल के बाद भी डिसीजन कहीं ना कहीं पेरेंट्स लेते हैं। लेकिन जिसके पेरेंट्स नहीं है वो डिसीजन सेल्फ लेगा, तो उसको 21 साल तक का टाइम दिया गया, 21 साल तक लॉ की तरफ से छूट दी गई, और 21 साल तक उसे क्या माना गया, माइनर। जनरल रूल 18 साल तक, लेकिन अगर गार्जियंस अपॉइंट हो रहे हैं कोर्ट के द्वारा तो 21 साल तक, 21 ईयर्स तक। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी ना। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो एज पर द डिसाइडेड केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष रट ना है, आता है एग्जाम में, एक नंबर में टिक करने के लिए आपका आता है। ठीक है, तो मोहरी बीबी धर्मोदास घोष यही कहता है कि अगर माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, और चाहकर भी आप उससे रेमेडी या एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ आप इसमें कुछ और पॉइंट्स में बता देती हूं, कौन कौन से ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, आपको मैंने बता दिया कौन कौन है, जरा बताओ, ड्रंकन ल्यूनेटिक एंड इडियट। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन है, अलाइन एनिमी कन्विक्ट एंड इंसॉल्वेंट। ये होता है कि अगर आपकी बाहर लड़ाई चल रही है वहां का जो सिटीजन है। उसी के साथ साथ ड्यूरिंग वार अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सस्पेंड, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन भी एक एलिमेंट है हमारा, C4 कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यो, एडवांटेज मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। मैम करने के लिए तो समझ में आया, ना करने के लिए बताओ। मान के चलिए आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मेरे साथ क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने वो पूरा नहीं किया, मैंने कहा भैया मैं आपके खिलाफ क्या कर रही हूं, केस फाइल नहीं करूंगी अगर आप मुझे 10,000 रुपए दे दोगे।
केस फाइल नहीं करूंगी, अगर आप मुझे क्या दे दोगे 10,000 रुपए दे दोगे तो केस फाइल नहीं करूंगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस केस में क्या हो रहा है, एब्जिस्टेंस, कुछ ना करने के लिए कंसिडरेशन गया, येस और नो? तो दैट इज नोन एज नॉट टू डू फॉर समथिंग। फॉर्म क्या हो सकता है, कैश, गुड्स और सर्विसेज, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसके डिजायर पे मूव होना चाहिए, प्रोमिसर। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल। कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है, कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट। मैम थोड़ा समझाओ इसके बारे में, समझाओ कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट। समझो, बात थी ऐसी, मिस्टर ए के पास एक बाइक थी पल्सर, ए के पास। अब क्या हुआ, ए ने अपने दोस्त को बाइक सेल आउट करी 40,000 में। अब पैदल जा रहा है, पैदल चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा है, कहां जाएगा मैम, बहुत दूर। यहां इसका एक दोस्त खड़ा था मोटू, एक खड़ा था पतलू, दोनों दोस्त खड़े हैं। उन्होंने कहा यार आज तू पैदल पैदल जा रहा है। हाँ यार जा रहा हूं। अरे हाँ, मोटू ने बोला हाँ हाँ मुझे ना तेरी बाइक खरीदनी थी। कितने में, मैं खरीद लूंगा 50,000 रुपए में। किसने ये बात बोली, मोटू ने, किससे, ए से। अब जैसी वो आ रहा था ना पैदल, वैसी वापस दौड़ पड़ा, दौड़ता 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 किसके पास गया, उसके पास जिसको बाइक बेची थी, बी को। बी से बोला ओए ओए फटाफट मेरी बाइक वापस कर, मेरी बाइक वापस कर। उसने कहा क्यों, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पता क्या बोलते हैं, क्लास मिस कर दी थी, आया नहीं उस दिन जिस दिन मैंने पढ़ाया, पढ़ता तो इधर ही था लेकिन आया नहीं। ओके, उधर जिसको बेची थी वो भी मेरी क्लास का स्टूडेंट था। बोला ओ भाई ये जो कंसिडरेशन है ना, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, एक्चुअली कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। तो वो बच्चे क्या बोलते हैं जो वहां पे खड़े, यार काश तू उस दिन मैम की क्लास अटेंड कर लेता तो आपको समझ में आता है, वैलिड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मे बी इनएडिक्वेट, यस और नो? कंसिडरेशन एडिक्वेट भी हो सकता है और कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। ये नहीं बोल सकता कि कम है ज्यादा है, नहीं नहीं कितना भी हो सकता है। तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, गॉट द पॉइंट? तो कंसिडरेशन मे बी इनएडिक्वेट, कंसिडरेशन शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, कंसिडरेशन शुड बी सर्टेन, कंसिडरेशन शुड नॉट इलजरी। अब एक बात, इलजरी मतलब काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान के चलिए एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, ठीक है, उनके पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं, मैम देखो आपके एग्जीक्यूटिव की फीस 1,00,000 रुपए, हाँ बिल्कुल 1,00,000 रुपए हम चार्ज करते हैं। ओके मैम इतना ज्यादा पैसे लेते हो, हाँ बिल्कुल लेते हैं, सुनो ध्यान से। उन्होंने बोला मैम हम आपको 1,50,000 रुपीज देंगे, अगर 1,00,000 तो देंगे अगर आपने अच्छा पढ़ाया, और 50,000 अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। नहीं समझ में, ये बहुत अच्छा क्या होता है, बहुत अच्छा कुछ होता ही नहीं है, तो इलजरी नहीं होना चाहिए। अच्छा इट्स ओके, 1,00,000 इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट द 1,50,000, व्हाट अबाउट द 1,50,000, दैट इज क्या हो जाएगा, वो इलजरी, काल्पनिक। मैम समझ नहीं आया, दूसरे एग्जांपल, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, घर वाले कह रहे हैं ऑपरेशन बढ़िया करा तो फीस देंगे 50,000, और बहुत ज्यादा बढ़िया करा तो फीस देंगे 60,000। तो मतलब बढ़िया वाले में क्या कैंची अंदर रह जाती है? तो इट मीन सिंपल सी बात है, ओके चलिए, इट मीन्स हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम इसमें बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन मे बी इनएडिक्वेट, कंसिडरेशन शुड नॉट इम्पॉसिबल, कंसिडरेशन शुड बी सर्टेन, कंसिडरेशन शुड नॉट बी इलजरी। जनरल रूल कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। बट कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि लव एंड अफेक्शन है, या फिर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। कितने बच्चे जानते हैं टाइम बार डेट के बारे में, टाइम बार डेट कितने बच्चे जानते हैं, कुछ ही बच्चे जानते हैं टाइम बार डेट। हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, अच्छा एक बार जोरदार तालियां बजाओ, और 1, 2, 3। चलो इधर देखो, कुछ बच्चों ने तालियां नहीं बजाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने लिए तालियां नहीं बजाई, कोई दिक्कत नहीं मैम, हम जितना ब्रेक में खा के आए ना उतना आपने तालियों में निकलवा दिया, अब जान नहीं बची है, सच्ची बताएं तो। सुनिए ध्यान से इधर, व्हाट आई मीन बाय टाइम बार डेट, एक्चुअली एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, एज पर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है वो, इस लड़की ने इनको थप्पड़ मारा। मैम कुछ भी पढ़ाने लगती हूँ, हाँ थप्पड़ मारना, मार मत देना सच में, हाँ कहानी खराब हो जाएगी। अगर इस लड़की ने इनको आज थप्पड़ मारा तो ये आज एक्शन लेगी या बोलेगी पहले सीएस कर लू तब एक्शन लूंगी, आज के आज ही ना। इसीलिए सुनिए ध्यान से, लिमिट है एक, कि आप केस फाइल करने की भी एक लिमिट है, एंड दैट लिमिट इज मेंशन इन द लिमिटेशन एक्ट 1963। इफ दैट पर्टिकुलर लिमिट इज लैप्स्ड, देन दैट इज टाइम बार्ड, वो क्या हो जाता है टाइम बार्ड।
और अगर कोई डेट है जो टाइम था आपको केस फाइल करना था, उसने आपके पैसे वापस नहीं किए, तो आप क्या फाइल करोगे? केस। लेकिन आपने केस फाइल नहीं किया, 3 साल का टाइम था, तो वो डेट क्या हो जाएगा? टाइम बार डेट क्या हो जाएगा? लेकिन अगर टाइम बार डेट में मैंने लिख के दे दिया, साइन कर दिया और बोल दिया कि मैं आपका पेमेंट करूंगी, तो उसमें कंसिडरेशन तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। उसी के साथ साथ कंप्लीटेड गिफ्ट, एजेंसी, रेमिशन, बेलमेंट एंड गारंटी, ये सारे वो एक्सेप्शन है जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखिए, फ्री कंसेंट। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय 5 थिंग्स। जहां पे 5 चीजें नहीं होती, क्या जरा बताना? कम फ्री। कम फ्री मतलब CUMF, सी फॉर क्वेश्चन, यू फॉर अंडर इन्फ्लुएंस, एम फॉर मिस्टेक, एम फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, एफ फॉर फ्रॉड। क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी बोले तो इंडियन पीनल कोड। डिटेन और 38 टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, क्रक्स। 38निंग किसको? या तो प्रॉपर्टी को या फिर पर्सन को। उसी के साथ साथ अंडू इन्फ्लुएंस के केस में रिलेशनशिप होना जरूरी है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, है ना, क्लाइंट और प्रोफेशनल, तो रिलेशनशिप होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ऑन अंडू इन्फ्लुएंस, व्हेन रिलेशन क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट। पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ देम इज पोजिशन इन डोमिनेंट पोजिशन में होती है। एक पार्टी क्या होती है? डोमिनेंट पोजिशन में, और दूसरी पार्टी निचली पोजिशन में होती है। जो पोजिशन डोमिनेंट पोजिशन में जो पार्टी है वो उसका अनफेयर एडवांटेज लेती है। जो एक स्ट्रांग पोजिशन में पार्टी है उसका क्या लेती है? अनफेयर एडवांटेज। लेकिन रिलेशनशिप होना जरूरी है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। नो प्रिजम्पशन, यहां पे कभी भी अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होता। किस किस के बीच में? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। किराएदार से आप कभी भी जबरदस्ती कोई फायदा ले सकते हो कि तुम हमारे मकान में रह रहे हो, तुम्हारी स्कूटी हम 5,000 में लेंगे। कितने में लेंगे? 5,000 में। तो मकान किराएदार क्या बोले? दिमाग खराब है, पैसे देता हूं जल्द साइड, यस और नो? तो वहां पे कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होता। दूसरा क्रेडिटर एंड डेटर, तीसरा हस्बैंड एंड वाइफ, प्रिंसिपल एंड एजेंट। डिफरेंस आप सेल्फ कर सकते हो। उसी के साथ फ्रॉड की बात करते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अदर। जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जाता है जिसका उद्देश्य ही दूसरों को धोखा देना है। उद्देश्य क्या है? धोखा देना है। जैसे कि आप ऐसे फैक्ट सजेस्ट कर रहे हो वो ट्रू है लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान के चलिए मैंने घड़ी परचेज करी, उन्होंने बोला मेड इन जापान है, लेकिन एक्चुअल में पता चला मेड इन चाइना है, तो मेरे साथ तो गलत हुआ ना। आपने मेरे से इतना ज्यादा पैसा ले लिया ये बोल के मेड इन जापान। उसको पता था ये गलत है लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या देना है? चीटिंग करनी है, धोखा देना है, तो ये क्या माना जाएगा? फ्रॉड। गॉट द पॉइंट? उसी के साथ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब आपने वादा किया तो निभाना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अदर पार्टी इंटेंडेड टू एक्ट, कंसीलमेंट क्या किया, मटीरियल फैक्ट, एग्री पार्टी सफर्ड लॉसेस। अगला मुद्दा उठता है कि साइलेंस रहना, चुप रहना भी फ्रॉड है? चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं है। अगर उसकी ड्यूटी थी बोलने की और वो नहीं बोला तो बोला जाएगा, अदरवाइज साइलेंस मीन्स इज नॉट अ फ्रॉड। उसी के साथ साथ मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स पॉजिटिव असर्शन और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपने कुछ ऐसा बोला जिससे सामने वाले ने सुन के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या आपने अपनी ड्यूटी का क्या किया? ब्रीच किया, तो उसे क्या बोलते हैं? मिस किया आपने, क्या जो रिप्रेजेंट किया वो कुछ छुपा के कुछ गलत बोल के किया, तो उसे क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। एक होती है बेटा मिस्टेक। मिस्टेक दो तरीके की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ ट्रीट की जाती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा, लॉ और फैक्ट के बीच में कितने बच्चे जानते हैं? लॉ क्या है, फैक्ट क्या है? लॉ तो कानून होता ही है, फैक्ट का, फैक्ट डिफर करते हैं केस टू केस। डिफर कैसे करते हैं? केस टू केस। मैम एग्जाम्पल देके बताओ ना। ओके, एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए एक शादी हो रही है, आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो जनरली क्या होता है जब दूल्हा जा रहा होता है तो बहुत सारे लोग, दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता बट छोटी जगह कई बार ऐसा होता है कि दूल्हे को देख रहे होता है, मेरे से सुंदर है या मेरे से नीचे है, ऐसे करके देख रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी मिस्टर ए के पास एक गन है और वो उसको वहां पे क्या कर रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, चला रहा है। एक लेडीज ऐसे देख रही थी, वो उसने गन ऐसी मारी, उसकी यहां लगी वो नीचे। इट मीन्स यहां पे कहीं ना कहीं गलत हुआ है। एक ये केस अभी से होल्ड कर दो। दूसरा केस, मिस्टर ए ने बी के साथ लड़ाई हुई और ए ने बोला मुझे बी को क्या करना है, उठवा के उड़ा देना है अपनी बंदूक से। उसने बंदूक से उसको उड़ा दिया, मार दिया। दोनों केस में डेथ हुई है, बट फर्स्ट केस में
अलग केस है, सेकंड केस में अलग केस है. तो जो फैक्ट है वो दोनों केस में क्या है, डिफर, तथ्य है जिनके बेसिस पे डिसीजन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट. इट मींस फैक्ट डिफर होते हैं केस टू केस. लेकिन मारने की सजा तो सबकी एक ही होगी ना, 3 से लेके 5 साल या 5 से लेके 7 साल या 7 से लेके 10 साल. तो इट मींस उसे बोलते हैं लॉ. लॉ मींस जो लिखा है कानून में, और फैक्ट डिपेंड करेगा केस टू केस. अच्छा एक बताओ, पहले वाले केस में सजा ज्यादा मिलेगी सेकंड केस में? क्यों? क्योंकि पहले में उसकी इंटेंशन नहीं थी. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो दो तरीके की हो सकती है, दोनों तरफ से भी मिस्टेक हो सकती है, एक तरफ से भी हो सकती है. अगर दोनों तरफ से तो क्या बोलेंगे, बायलेटरल. एक तरफ से तो क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल. उसी के साथ साथ एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो किसके अगेंस्ट होते हैं, पब्लिक पॉलिसी, एंड सच एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो. तो आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते. मैम पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी होती है जब भी कोई सरकार अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, पब्लिक पॉलिसी. लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जैसे आप किसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, एनिमी, या आप क्या कर रहे हो, क्राइम अगेंस्ट लॉ होते हैं, मतलब सोसाइटी अगेंस्ट गलत होता है. अगर किसी को कोई मर्डर कर रहा है तो वो रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट, मतलब रोंग अगेंस्ट सोसाइटी होता है. आपने देखा हैंड टू हैंड उसे क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट. रीजन, कभी किसी और को भी मार दे, मार रहा है तो किसी को भी मार सकता है ना. तो दो तरीके के लॉ होते हैं, आपने देखा होगा, एक होता है सिविल लॉ और दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल लॉ. सुना है? सिविल लॉ पर्सनल रोंग होता है और क्रिमिनल लॉ रोंग अगेंस्ट सोसाइटी होता है. तभी तो उसे उठा के फटाफट से अरेस्ट किया जाता है. क्यों? क्या भरोसा कल किसी और को मार दे. इट मीन्स यहां पर बोल रहा है एग्रीमेंट टू कमिट वॉट क्राइम, एग्रीमेंट टू इंटरफेस विद एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी ऑफ पर्सन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. सुना है शब्द स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन? इट मीन्स कुछ ऐसे केसेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन केस फाइल करने के लिए, अगर किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं ना तो उसके खिलाफ केस फाइल कर, मैं तुझे पैसे देता हूं. इट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. उसी के साथ साथ आप इसमें देख सकते हो जो लास्ट में, ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है. अगर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें तो परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकते हैं. परफॉर्मेंस मतलब जो एग्रीमेंट किया वो हमने परफॉर्म कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. और कैसे हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट, इम्पॉसिबिलिटी. उसी के साथ ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, लैप्स ऑफ टाइम और डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल मतलब आप क्लास लेने आए, मैंने क्लास दी, एक्चुअल परफॉर्मेंस. आप क्लास लेने ही नहीं आए, मैंने क्लास दी, तो क्या हो जाएगी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ओके, उसी के साथ साथ डिस्चार्ज म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है. म्यूचुअल कंसेंट में क्या क्या हो सकती है, नोवेशन, और क्या हो सकती है, ऑल्ट्रेशन, और क्या हो सकती है, रेसिशन, रेमिशन, वेयर एंड मर्सर. ये पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे डिटेल में. उसी के साथ अगर हम बात करें ब्रीच, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का करते हो, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच अगर कर रहे हो, मीन्स फेलियर ऑफ वन पार्टी टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. दो तरीके के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी. एक्चुअल ब्रीच का मैं बताती हूँ, आज क्लास थी हमने आज ही मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच. एंटीसिपेटरी पहले से पहले ही क्या कर देना है, मना कर देना. आपने देखा हो ना, अगर बेल हो गई है, बाहर से बाहर जमानत, सुना है, बाहर से बाहर जमानत हो जाना, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल. इसी तरीके से पहले मना कर देना, डेट से पहले ही, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच. रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक हो सकता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना. अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हो तो हमने बोला हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा जो नुकसान हुआ उसके लिए क्या कर सकते हो, सूट, और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. याद आया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, कि जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था हमें तो वही चाहिए. बट आप मुझे एक बात बताना, क्या स्पेशल स्किल के केस में कभी भी ये सूट फाइल हो सकता है? मैम स्पेशल स्किल कैसे, जैसे मान के चलिए कोई गाना गाता है, उसने नहीं गाया, ब्रीच हो गया, तो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल करोगे? नहीं, वो उल्टा सीधा गाना गा देंगे. यस और नो? क्यों? क्योंकि उसे किस चीज की जरूरत है, स्पेशल स्किल. आप जबरदस्ती किसी से पढ़ सकते हो? नहीं, सब कुछ उल्टा पढ़ा देंगे, है ना. इट मीन्स जहां पे किस चीज की जरूरत है, जल्दी बताइए किस चीज की जरूरत है, स्पेशल स्किल, वहां पे कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब है स्टे लगाना, स्टे कर देना. स्टे मतलब, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मान के चलिए श्रेया घोषाल के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो 2 साल हमारे यहाँ गाना गाएंगी, उन्होंने नहीं गाया, किसी और के यहाँ गा रही है, तो हमने उनके खिलाफ केस फाइल किया, ना वो हमारे यहाँ गाएंगी और ना किसी और के यहाँ, तो वो सूट क्या होता है, इंजंक्शन, मतलब स्टे लगवा देना. क्वांटम मैरिट, जितना काम किया उतना ही क्या कर लेना,
उतना ही आपको मिलेगा, जितना आपने काम किया है उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही आपको कंसिडरेशन मिलेगा, दैट इज नोन एज क्वांटम मैरिट। उसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आपने बहुत ही मन से इसको पढ़ा और मैंने इसको रिवाइज कराने की कोशिश करी पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, और उसी के साथ ये क्या हो जाता है,